स्किन वाइटनिंग क्रीम ऑल्सो नोन एज स्किन लाइटनिंग आर स्किन ब्लीचिंग क्रीम और यूज टू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट और इवन स्किन टोन. सो दिस क्रीम वर्क बाय इन हाइड्रेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन. सो व्यूवर्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप लोगों के ये जो मैसेजेस होते हैं उन्हीं में से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो बनाऊँ. सो आज आप लोगों के लिए ये बहुत खास वीडियो है जिसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको उसका आंसर दे दूँ. तो बेसिक जो मेरा मकसद है वीडियो का वो यही है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि क्या एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वाइटनिंग क्रीम को यूज़ करने के. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स ऑल्सो नोन एज स्किन लाइटनिंग आर स्किन ब्लीचिंग क्रीम्स. बहुत सारी ये जो स्किन वाइटनिंग जो क्रीम होती है उसको स्किन लाइटनिंग क्रीम भी बोलते हैं, यानी कि आपके स्किन टोन को वो लाइट करता है, जो कि इस्तेमाल की जाती है आपकी जो अपीयरेंस होती है, आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है जो डार्क हो चुका है, जो उसके ऊपर स्पॉट्स आ चुके हैं, जितने भी स्पॉट्स हैं, अनइवन टोन जितनी भी हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए या अपने कलर को ब्राइट टोन की तरफ लाने के लिए, लाइटनिंग की तरफ लाने के लिए, जिसको आप एक ईजी लफ्ज़ों में कह सकते हो कि गोरा चिट्टा उसको गोरा बनाने के लिए अपनी स्किन को, जो कि आप हैं डेफिनेटली, लेकिन ये होता है कि आपको टैन हो जाता है, आपको सपोर्ट्स हैं, कुछ भी पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने के निशानात हैं, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, वो निशानात को अपनी स्किन को लाइट करने के लिए अपनी, तो वही आपकी जो एक पहले वाली एक ग्लोइंग सी स्किन थी उसको वापस लाने के लिए आप बहुत सारी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम जानेंगे कि क्या इनके कुछ फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं. तो देखिए, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान. So viewers, this can work by inhibiting the production of melanin, the pigment that gives color to the skin. तो इन प्रोडक्ट का जो है वो इनहिबिटेड करती है आपकी स्किन को, ग्लोइंग बनाता है, पिगमेंटेशन को और आपके कलर टोन को लाइट टोन की तरफ फैलाता है. और इसके एडवांटेजेस ये हैं, इट कैन हेल्प रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स, फ्रैकल्स एंड एज स्पॉट्स. Number 2, can improve the overall evenness of skin tone. Number 3, can be used on specific areas of the face or body. जहाँ जहाँ भी आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पर ये होगा कि जो आपकी अपीयरेंस है, जो आपका कलर है, उसके ऊपर अगर डार्क स्पॉट हैं, अगर कोई छाइयाँ हैं, अगर एज की वजह से भी कुछ स्पॉट्स हैं बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, तो वो रिमूव करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका बहुत बड़ा फ़ायदा तो यही है. तो आपको ओवरऑल तो समझ आ गया होगा और उसके साथ साथ ये ओवरऑल इम्प्रूव करेगा आपकी जितनी भी स्किन इवननेस हुई हुई है, डिस्कलरेशन हुई हुई है, पैचेस बने हुए हैं, उनको भी ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है. दूसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है. और इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उन ख़ास एरियाज़ पे जहाँ पर आपको टैन हो चुका है, आपका कलर ख़राब हो चुका है, या आप अपनी स्किन को लाइट टोन में लाना चाहते हैं. यानी कि इजी लफ्ज़ों में बता दूं कि अगर आपका कलर नहीं है साफ, आप वाइट नहीं हो, तो वो लोग जिनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क टोन होता है वो भी इसको लाइट की तरफ ला सकते हैं. इसके ये सबसे बड़े जो तीन फायदे हैं वो यही हैं. उसके साथ साथ अब बात करते हैं जी डिसएडवांटेजेस की. तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इरिटेशन हो सकती है आपको जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कैन कॉज स्किन इरिटेशन आर एलर्जिक रिएक्शंस. लॉन्ग टर्म यूज कैन लीड टू थिनिंग ऑफ द स्किन एंड पोटेंशियल डैमेज ऑफ द स्किन स्ट्रक्चर. Number 3, and the active ingredients in these creams can be harmful if not used correctly. It may lead to negative self-image. तो अब ये है कि इसके जब फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं. मे बी ये आपकी स्किन को एलर्जी कर सकता है और ज़्यादा देर लगाने के लिए आपकी जो स्ट्रक्चर है स्किन की वो उसको भी डैमेज कर सकता है, यानी कि वो ढीले हो सकते हैं आपके अज़ा, आपके फेस, यहाँ जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो, ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि वो सूट के हवाले से ही, अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो ये सारा कुछ भी हो सकता है. The active ingredients in this cream can be harmful if not used correctly. अगर अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए और उस तरह से, यानी कि जिस तरह की आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके ऑपोजिट यूज करेंगे तो फिर इसके नुकसान आते हैं. इट मे बी लीड नेगेटिव सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम इशू. सम क्रीम्स मे कंटेन इलेजिकल और डेंजरस इंग्रेडिएंट सच एज मर्करी और हाइड्रोक्विन. तो देखिए, कुछ इसमें ऐसे होते हैं केमिकल जिसकी वजह से आपको स्किन डैमेज भी हो सकती है. इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज स्किन वाइटनिंग क्रीम्स ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट एंड टू यूज देम एज डायरेक्टेड. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी क्रीम्स यूज करनी चाहिए लेकिन अपने डर्माटोलॉजिस्ट के
कहने के मुताबिक अपनी स्किन को चेक करवा कर, और इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क एंड साइज इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस प्रोडक्ट्स. सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके आप पढ़ लिया करें, उसके बारे में अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि उसके रिस्क क्या है, उसके साइड इफेक्ट के ऊपर मैंशन है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको आराम से यूज़ करें, और अगर है तो फिर यानी आपने अपने बिहाफ पर इसको ही यूज़ करना है. एंड टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ यूर एक्सपीरियंस एनी एडवर्स रिएक्शन, अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन ऐसा आता है जहाँ पर साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो फिर आपने उसको यूज़ नहीं करना. आई होप कि आपको मेरी समझ आ गई होगी. आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी अच्छा नहीं है. सो अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमल राय के साथ सब्सक्राइब माई चैनल कोमल राय एंड प्रेस बेल आइकन ऑन ऑल. टेक केयर, गुड बाय.